नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना संभव करा पाने वाले लुई ब्रेल को देश आज कर रहा है याद। इन नेताओं ने किया नमन आज, यानी 4 जनवरी को देश ब्रेल लिपि के आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को याद कर रहा है। आज देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। बता दें कि ब्रेल लिपि नेत्रहीनों ने लोगों को पढ़ाने के साथ साथ लिखने में भी मदद करती है। उनकी जयंती पर देश के दिग्गजों ने उन्हें नमन भी किया है। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। महज 8 साल की उम्र में हादसे में उनकी आंखें चली गईं। 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लुई के पिता साइमन रेल ब्रेल शाही घोड़े के लिए काठी बनाने का काम किया करते थे। उस वक्त उनके पिता के पास काम का ज्यादा बोझ रहता था। ऐसे में उन्होंने अपनी मदद के लिए 3 साल के लुई को भी अपने काम में लगा लिया। काम करते वक्त एक दिन लुई वहां के औजारों से खेलने लगा। उस दौरान एक औजार उनकी आंख में लग गया, जिसके चलते उनकी आंख से खून आने लगा। उस वक्त परिवार ने इस मामूली चोट समझकर मरहम पट्टी कर दी। इसके बाद जैसे जैसे लुई की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे घाव भी गहरा होता रहा। महज 8 साल की उम्र में तक पहुँचते लुई की आंखों की रोशनी चली गई। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।